हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल दियास पेपर क्राफ्ट। मैं हूँ दिया। तो आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एमसील से पेंसिल टॉपर। तो वीडियो को एंड तक देखना। बहुत ही इजी वे में मैंने 3 पेंसिल टॉपर बनाई हूँ, तो वो देखते रहो। पहले मैं एमसील ले ली हूँ 10 रुपीज़ का। उसको दोनों रेजिन और हार्डनर को दोनों को मिक्स कर रही हो टेलकम पाउडर से। ये मास्ट है क्योंकि टेलकम पाउडर नहीं देने से ये चिपक जाएगा। देखो पहले से ही चिपक गया। तो इसको अच्छे से मिक्स करना है दोनों को एंड इट्स टर्न ब्लैक कलर। देन उसको आपको जो भी शेप देना है दे देना है। तो देखो राउंड हो गया। उसके बाद एक पेंसिल लेना है। पेंसिल के ऊपर एक प्लास्टिक, आप कोई भी प्लास्टिक लगा सकते हो, उसमें थोड़ा टैल्कम लगा देना। मैं नहीं लगाई थी, फिर भी उसको अच्छे से सेट कर देना है क्योंकि वो जब मैं उसको फिक्स करूँगी एमसील को वो हट ना जाए, क्योंकि वो हट जाएगा तो अगर चिपक गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, टूट जाएगा जब निकालेंगे। तो उसको अच्छे से मैंने राउंड करके ट्रूल से, उसका जो ट्रूल होता है एमसील का, अगर आप कोई भी स्टेशनरी शॉप में जाके बोलोगे कि ट्रूल चाहिए एयर ड्राई क्ले का, तो मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा, इसका कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो मैं जिस तरह से कर रही हूँ सेम, अगर आप भी वही शेप देना चाहते हो तो वही टाइप का करते रहना देख के। और मैं यहाँ पे फर्स्ट वाला जो कर रही हूँ वो इजी वाला कर रही हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम होगा या नहीं मुझे पता नहीं था इसीलिए। तो देखते रहो। फर्स्ट वाला ये हो गया, इसे अब हम ड्राई करने देंगे। ये सेकंड वाला कर रही हूँ, ये मैंने आइसक्रीम का शेप दी हूँ। तो देखो मैं कैसे की हूँ, फर्स्ट वाला में जो था वैसे ही की हूँ फर्स्ट में। उसके बाद थोड़ा सा एमसील लेके उसको अच्छे तरीके से जो लंबे टाइप का रस्सी उस टाइप का बना लेना है, उसके बाद ऊपर से दे देना है। जस्ट वो ऐसे ही चिपक जाएगा, उसमें फेविकॉल वगैरह कुछ का ज़रूरत है नहीं। और ये सूखने में ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता है, हाफ एन आवर में आराम से सूख जाता है। अगर आप थोड़ा मोटा वाला बनाए हो या ज़्यादा क्वांटिटी में बनाए हो तो 1 आवर तक छोड़ देना इसको, क्योंकि ये नहीं सूखने पर इसको पेंट करने से इसके जो ब्लैक कलर है वो छूटता है, तो उससे प्रॉब्लम हो सकता है। मैं भी फेस की हूँ क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम था, तो मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ क्योंकि आप लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और मैं ये भी हाथ से कर रही हूँ इसीलिए भी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ये हाथ से करने से एक साइड पे मोटा हो रहा था, एक साइड पे पतला। जिधर मैं कर रही थी उधर ही सिर्फ पतला हो रहा था, फिर अपोजिट जो गैपिंग था मेरा फिंगर्स का उसमें मोटा मोटा हो रहा था। तो ये आप स्केल लेके भी कर सकते हो तो उससे अच्छा होगा। तो देखो मैं कैसे ऊपर जस्ट उसको बैठा रही हूँ। उसके बाद वो हो गया। उसके बाद एक चेरी का मैं सोची थी, एक चेरी दूंगी तो अच्छा ही लगेगा, तो उसमें मैं एक चेरी भी दी हूँ। ऊपर थोड़ा सा एमसील लेके फिर से उसमें लगा देना है। देखो हो गया।
ये वाला भी मैं सूखने के लिए रख दूंगी अभी। तो ये है थर्ड नंबर। तो पहले जैसे पेंसिल के ऊपर लगाना होता है वैसे ही सेम, तीन का ही पूरा सेम ही है। तो उसके बाद ये जब हो जाए पेंसिल का ऊपर वाला, उसके बाद एक डो बना के, जैसे हम लोग आटा का डो होता है वैसे ही सेम, उसको राउंड करना है। राउंड करके उसको किसी भी चीज़ से पतला कर देना है, फ्लैट, क्योंकि उसमें हम कट देंगे लव शाइन का। मेरे पास कार्डबोर्ड पहले से कटा हुआ था इसीलिए मैं उसको बैठा के एंड शार्प काट ली, अच्छी तरीके से काट ली। आप इस टूल के मदद से भी प्रेस कर करके काट सकते हो, लेकिन इससे मैं बोलूँगी नहीं करने के लिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा नीट वाला टेक्सचर नहीं आता है। उसके बाद भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है, ज़्यादा भी कट सकता है, कम भी हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। तो आप जैसे मैं कर रही हूँ वैसे भी कर सकती हो। तो देखते रहो, मैं इसको रोटी की तरह ही कर रही हूँ। उसके बाद लव को काट लूँगी। आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने ट्रेस किया है, ट्रेस करने के कटर से काट ली हूँ हर्ट को। उसके बाद थोड़ा सा एम्सिल लेके पीछे चिपका के पीछे, उसके बाद उस हर्ट शेप को चिपका देंगे। आप अगर सोचते हो कोई भी आपका माइंड में है शेप वगैरह का, तो आप वो भी कर सकती हो। तो देखो ये कैसे हो गया, इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। इसमें और एक्स्ट्रा कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं। कोई कोई फेविकॉल लगाता है लेकिन ज़रूरत है नहीं, क्योंकि तब तक वो सूखता नहीं है ना, इसीलिए वो चिपक जाता है। उसके बाद मैंने छोटा सा एक डॉल बनाया था, क्योंकि एमसिल बच गया था, उससे पेंसिल टॉपर एक नहीं हो सकता था, इसलिए मैंने छोटा सा ये बना दिया पांडा टाइप का। तो देखो मैं इतना छोटा है कि मैं दिखा भी नहीं पा रही हूँ ठीक से, क्योंकि बार बार कैमरे से निकल जा रहा था फ्रेम से, इसीलिए। तो मैं जितना भी कर सकी हूँ दिखाई हूँ। देखो ये हो जाएगा। तो उसके बाद इसका आँखें बनाना है, उसके बाद उसका हाथ मैंने बनाई हूँ, नहीं बनाने से भी क्यूट ही लगता, लेकिन एक्स्ट्रा था इसीलिए बना दिया, बस हो गया। जैसे ही मैं कर रही हूँ वैसे ही कर सकते हो, इट्स इजी, नॉट अ लेंथी प्रोसेस। सूख गए। उसके बाद मैं आ गई हूँ ब्रश लेके, पेंटिंग ब्रश विथ वाइट एक्रेलिक कलर। तो उसकी मैं पहले सबको फर्स्ट वाला कोट दे दूँगी, उसके बाद सेकंड कोट भी देना है, क्योंकि उस पर जो भी कलर करे वो निखर के आए, कलर थोड़ा अच्छा लगे देखने में। तो देखिए मैं पहले पांडा का ही कर रही हूँ, कलर हो जाएगा वाइट कलर। उसके बाद मैं दूसरा वाला भी कोट लगाने वाली हूँ, क्योंकि ये जो एमसिल है ये ब्लैक है। अगर हम लोग वाइट कलर का डॉजन या मोल्डेड क्ले से करते हैं, हाँ, तो वो वाला वाइट हो जाता है, ये वाला ब्लैक है। तो इसीलिए इसमें डबल कोट करने से कलर अच्छा लगेगा। ठीक है, ये हो गया। आप भी अगर एमसिल से बनाने वाले हो ये वाले, तो डबल कोट दे देना और पूरा अच्छी तरीके से
सूखने देना, ठीक है, क्योंकि अच्छे तरीके से नहीं सूखेगा फिर कलर छूटेगा, ठीक है। मेरे साथ भी प्रॉब्लम हुआ है, मैं वीडियो में तो नहीं डाली हूँ, तो इसका अभी सेकंड कोट लग रहा है। फर्स्ट कोट देखो नीचे है जो, उसका कलर कितना लाइट है वाइट लगाने के बाद भी। ये वाला देखो कितना डार्क वाइट हो गया, क्योंकि ये सेकंड कोट है, तो इसीलिए बोल रही हूँ दोनों को ही सेकंड कोट दे देना। उसके बाद अपने मन पसंद का कलर दे देना आप, मैं जो की हो अगर वही करते हैं सेम, तो उसमें भी आप अपने मर्ज़ी से कुछ भी कलर कर सकते हैं। मेरे मर्ज़ी से मैं जो भी कलर मन में आया मैं बस करता गया, तो देखते रहो। तो देख ही सकते हो ये सब सूख गया है। अभी मैं इन पे वार्निश का एक कोट अप्लाई कर दूंगी, क्योंकि वार्निश नहीं देने से जो एक्रेलिक कलर किया है उसमें जो डर्ट मतलब कुछ भी चिपक जाएगा इजीली, बट अगर वार्निश यूज़ करा जाए तो उसमें
कुछ भी नहीं लगेगा। तो मैं ये वार्निश ली हूँ स्टेशनरी शॉप से ही, तो अच्छा ही डिस्काउंट से ही मिला मुझे, तो आप भी जाके पूछ ही सकते हो, तो मिल जाएगा ये इजीली। तो इससे मैं कर रही हूँ, दिखा भी रही हूँ, देखो वार्निश का कोट अप्लाई कर दी अच्छी तरीके से, पूरा एक अलग ही, मतलब अलग ही एक ग्लॉजीनेस आ जाएगा, पहली बात है ये। उसके बाद ग्लॉजीनेस के बाद भी अगर कोई भी डस्ट रहेगा, हम लोगों को नहीं दिखता है, वैसा डस्ट भी बहुत होता है जो एक्रेलिक कलर में जाके चिपक जाता है, तो वैसा नहीं होगा, डर्ट नहीं लगेगा। तो सबका हो गया वार्निश लगाना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्लास्टिक को ओपन करेंगे, पहले तो सूखने देंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 10 मिनट्स तक ही लगता है, इससे ज़्यादा नहीं लगता है। देखो मैं सूख गया, तो मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को जो कैसा हुआ। मुझे आँख और मुंह का ड्राइंग अच्छे से नहीं आया, इसीलिए कैसा कैसा लग रहा है, लेकिन मुझे पसंद है, मैं उतनी अच्छी ड्राइंग नहीं कर पाती हूँ। तो देखो सूख गया, अब मैं प्लास्टिक से भी निकाली हूँ। अब प्लास्टिक को राउंड घुमाना है, जिस साइड पे आपका हाथ घुमाएंगे उसका ऑपोजिट साइड पे आपको प्लास्टिक को मोड़ना है, वो खुद ब खुद ही निकल जाएगा। उसके बाद सबको मैं निकाल के ऐसे पेंसिल में लगा के आपको दिखा रही हूँ कि ऐसे ऐसे लिखा जाएगा। ये आइसक्रीम वाला मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि ये ज़्यादा क्यूट है। तो हो गया ये सब, इसका भी निकल गया। उसके बाद मैं अभी आपको लिख के दिखाऊंगी। क्या लिख रही हो गाइस, सब्सक्राइब लाइक भी कर देना। तो देखो अभी मैं इसको एक बॉक्स में करके रख दूंगी। तो नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए कमेंट में बता सकते हो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सब अपना ख्याल रखना।